सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। मैं श्रीमती उत्तराशा हूँ, एक हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं अपने गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी, जो परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया और परमेश्वर ने मुझे कैसे नया जीवन दिया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानी और अपना उद्धारकर्ता के रूप में कैसे ग्रहण की। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, पहला कॉलेज करी थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो प्रभु यीशु मसीह को जान रही थी। उनके लाइफ में कि गॉल में कैंसर था और उन्होंने मुझे बार बार ही बता रही थी कि मेरे कान में घाव है करके। और जब डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए गई तो उसी बीच में डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको जो घाव है कैंसर को ले लिया है। और मेरे फ्रेंड जो जब मैं जाती थी उनके यहाँ तो बार बार वही बातें मेरे पास शेयर करती थी कि मुझे कैंसर है, प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रार्थना की तो ठीक हो गई। वो बार बार बताती थी, मैं जाती थी उनके यहाँ, लेकिन उसके बातों पर मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मैं उनको बोलती थी कि एक दिन मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानूंगी करके बोलती थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है करके। लेकिन जैसे जैसे वो वचन बताती थी और उस वचन के द्वारा मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू की। आप सभी लोग जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह को मानना, जब आदमी को तकलीफ होती है, बीमारी होती है, समस्या होती है, तभी प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते हैं। लेकिन मैंने मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं था, कोई समस्या नहीं था। मैंने उस बाइबल के वचन, जो जीवित वचन है, उसके द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानी और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को बस 21 दिन ही हुआ था कि उसको जानना, और हमारे गांव में बहुत बड़े सताव हुई और उस सताव इतना ज्यादा था कि पूरा स्टेट लेवल का था। पहली बार मैंने स्टेट लेवल का सताव सुनी 2000 में। और उसी बीच में माहौल बहुत खराब हो गई थी, सामाजिक दबाव था, जिले का दबाव था, ब्लॉक का दबाव था, बहुत ज्यादा सताव था। उसी बीच में जब बैठक हुआ क्षेत्रीय स्तरीय, मंडल स्तरीय सामाजिक ओर से, तो मुझे भी बुला ले गए। आप सभी जानते हो गांव में कि महिलाओं को बुला के ले जाते, लेकिन उस समय मैं एक स्टूडेंट थी 19 साल का जो फर्स्ट ईयर में थी। मुझे भी ले गए वहां पे, पूछे गए यीशु मसीह को छोड़ दो, क्यों आप लोग यीशु मसीह को मानते हो करके। लेकिन मेरे से जो पहले थे लोग, सभी लोग कबूल कर ले कि हम नहीं मानेंगे करके। लेकिन जब मेरा नंबर आया, मुझे बोला कि आप भी छोड़ो और अपने देव देवता का नाम का जय बुला करके, तो उसी बीच मैंने प्रभु यीशु मसीह की जय बुला दी और मैंने बोला कि सुलभ की जय करके। और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उस दिन पहला स्थान दी। और जब गांव में माहौल खराब हो गई, दूर दूर के लोग आए थे, सभी लोग जान गए कि वो लड़की जो है बहुत बोली है, बहुत बातें की है करके। और मेरे भैया जो है, हम लोग के साथ ही रहते थे, कुम्हारे में रहते थे, जो कंपनी था DMC करके, वहाँ ड्राइवर थे, और उनको फोन करके बता दिया गांव वाले लोग कि आपकी बहन ने सब किया है इस मसीह का नाम वहाँ पे, और किसी को नहीं डरी और पूरा सबके सामने बात की करके। और उसी बीच मेरे भैया आए और गांव वाले लोग बहुत भड़का दिए उनको, और मेरे भतीजा भी साथ में रहते थे, वो भी फोन करके बता दिए। और उसी बीच मेरे भैया आए और मुझे पूछे, मैंने अपनी माँ को, मेरी माँ और मैं, मेरे भतीजे, हम तीन रहते थे, मेरी माँ को मैंने बोली कि आप चले जाओ क्योंकि भैया आने से माहौल खराब होगा। और मैंने मेरे दीदी घर भेज दी उसको, और मैं थी उसी बीच, मेरे भैया आए, मैं घर में नहीं थी। मेरे को पता था कि मेरे भैया जो है खतरनाक थे, गुस्से वाले थे, गुस्सा करते थे, बाकी दिल से अच्छे थे, लेकिन लोग जो है कई बार उसको भड़का दिए थे, इसलिए ज्यादा गुस्सा हो गया था उसी बीच। और उन्होंने जब आए और मैं पूछे कैसे कर रहे थे, मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली हाँ यीशु मसीह बारे में बोली हूँ करके। और उसी बीच में बोले कि तो यीशु मसीह छोड़ दे, तो मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी करके। और मेरे भैया ने एक हंसिया रहा था गाँव में, उसको मेरे गला में रख दिया और बोले कि अगर तू यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगी तो मैं सीधा तेरे गले को काट दूंगा करके। तो मैं बोली प्रभु इससे आशीष दे, आशीष दे बोली, तो उसका दिमाग और खराब हो गया, तो मेरे को आशीष दे बोलते है करके बहुत गुस्सा हो गया। और एक लकड़ी था जलाने का, बहुत मोटा लकड़ी था, तो उन्होंने पकड़ा मुझे और मारा और बहुत दौड़ाया। तो मैं दौड़ते दौड़ते गली गली दौड़ी और मेरे पीछे पीछे मेरे भैया दौड़े, और उसी बीच में मैं गाँव से निकल गई दौड़ते दौड़ते। और
मेरे भैया भी बहुत परेशान हो गए कि मैं नहीं आई उस रात, और मेरे भैया को डर हो गए कि कहाँ चले गए करके। उसी भी दूसरे दिन जब मैं आई और उस बीच में माहौल खराब था, बोल रहे थे कि उस लड़की को लाओ, क्यों उसको कौन छुपा दिया, उसको लाओ करके बोल रहे थे। तो कोई नहीं जा रहा था मैं कहाँ थी, क्योंकि उस समय मोबाइल का ज्यादा वो चल भी नहीं था, मोबाइल उस समय मोबाइल का ज्यादा डिमांड नहीं था, था लेकिन कम था, लेकिन उतना नहीं था, मैं खुद नहीं जानती मोबाइल चलाने। तो उस समय फिर आई और बोली तो कहाँ थी, मैं किसी ने बताया। उसी बीच पुलिस वाले माहौल बहुत खराब हो गए थे, और मैं उसी बीच पुलिस वाले ने पूछा तो कहाँ गई थी करके, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन दबाव इतना था कि मैं बोली कि मेरे भैया ने मुझे मार दिया, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई। मेरे भैया डर गए थे कि मेरे इसके कारण मुझे भी जेल हो जाएगा, लेकिन मेरे भैया कुछ नहीं हुआ। और बाकी भैया लोग जो 13 लोग थे, भैया और दीदी लोग जो उनको जेल हो गए, हम लोग को छोड़ दिया, छोटे बच्चे करके 3 लोग थे हम लोग। तो दूसरे दिन हम लोग को फिर ना पेपर आउट हो गए कि लोग भग गए करके, लेकिन हम लोग भगे नहीं थे, गाँव में थे। और कुछ दिन बाद आके जमानत में ले गए, थाना ले गए, वहाँ पे हम लोग जमानत में छूटे। मेरे 6 साल तक पेशी चला है, और परमेश्वर ने 6 सालों में भी हमें ऊंचा उठा दिया, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद मेरा शादी हुआ, मेरा पहला गवाही, सेकंड गवाही। मैंने कुछ पल के लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं छोड़ी नहीं थी, मारी थी, लेकिन उसके खिलाफ उसके वचन में नहीं चल पा रही थी मैं। उसी बीच में मेरे बेटी का जन्म हुआ 2012 में, और उस समय में मेरा कंडीशन खराब हो गई हॉस्पिटल में, और मुझे अटैक हो गया, और कुछ समय के लिए मैं दुनिया छोड़ के चली गई। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बुलाया, बोले कि इसका लाइफ खत्म हो गया, कैसे करना, बोले तब डर गए भी कैसे हुआ करके। उसके जस्ट बाद डॉक्टर ने हार्ट पंपिंग किया, और परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे नया जीवन दे दिया, मेरे जीवन में एक सांस भर दिया, और मैं जीवित हो गई। 32 घंटा कोमा में थी मैं, और जब डॉक्टर के पास लाए तो डॉक्टर बोला कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, विदेश से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे विदेश से डॉक्टर नहीं, यहीं का डॉक्टर जो लाइन सर थे उस समय, वहाँ ट्रीटमेंट चला 6 साल तक। और डॉक्टर ने बोला कि इसको लाइफ टाइम इंजेक्शन लगेगा, दवाई लगेगा, तभी तेरा जीवन बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे जीवन दे दिया, नया जीवन, और आज मैं कोई दवाई कोई इंजेक्शन कुछ नहीं, और मेरे जीवन बच गया। और मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किया, बहुत सारे आत्मा बचा, और मैं एक गवर्नमेंट अप्लायर हूँ, टीचर हूँ मैं। ये मेरे जीवन का गवाही है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, और मेरे द्वारा। मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देती या भूल जाती, आज मेरा पूरा फैमिली जो है प्रभु में है। मेरे घर में 3 लोग पास्टर हैं, मेरे भतीजा, मेरे 2 जन मेरे दीदी बेटे, मेरी बहन भी बेटे लोग पास्टर हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे घर आना मेरे प्रभु का नाम ऊंचा करे, इसलिए उस महान परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही के द्वारा आप सभी को मैसेज देना चाहूँगी, प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, एक जीवन बदलने आए। थैंक यू।